नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। तेजस्वी यादव को लेकर के इन दिनों चर्चाएं तेज है और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलने से बिल्कुल भी कतरा नहीं रही है, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जो भी सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से हो रहा है। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल आने वाला है, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, कर्नाटक में भी चुनाव चल रहा है, ऐसे में कई राज्यों में जो चुनावी प्रक्रिया इस वक्त देखने को मिली, उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद अहम है बीजेपी के लिए। ऐसे में एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेता खुल करके सामने आते हैं और वो हर बार यहाँ पर तेजस्वी यादव के ऊपर जो है तेजस्वी यादव की तरह ही बोलते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि यही है जो हमारे ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। देखिए, एक बार ठीक है किसी नेता ने बोला जनता ने भरोसा नहीं किया, दूसरी बार कोई नेता बोलेगा जनता भरोसा नहीं करेगी, तीसरी बार कोई नेता बोलेगा, चौथी बार बोलेगा, पांचवी बार बोलेगा, लेकिन उसके बाद क्या? अगर हर नेता एक ही बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस बात पे कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो नेता जो है वो एक के बाद एक अपनी बात करते हुए नजर आए हैं, तभी तो वो सारे नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई करवा रही है, बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है, बीजेपी तमाम चीजें करवा रही है। तो चलिए ठीक है, मानते हैं कि सारी बातें सच नहीं होंगी, लेकिन 10% बात तो सच होगी उसमें, तभी तो कहीं से बात निकली है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी खेमे पर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बाद तेजस्वी यादव जो है वो इस पूरे मामले में बीजेपी का सफाया कर सकते हैं। देखिए, अगर तेजस्वी यादव के ऊपर जो है आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और ऐसे में बीजेपी खेमे को जो है बड़ा झटका लग सकता है। हम आपसे जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।